हेलो फ्रेंड्स, आपसे बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल विजय सदेवघर में स्वागत है। चलिए आइए आज सीखते हैं लॉग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात और, अगर आपका मन पजल्ड है तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय सदेवघर के शॉर्ट में जाइए, वहाँ मैंने ढेरों सारे कॉमेडी वीडियोज अपलोड कर रखा है। आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, मजा आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा। तो बच्चों ध्यान रखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बच्चों? लॉग बी है, उसका पावर क्या है? एन है। उस पर क्या है बच्चों? ए पर पावर एम। लॉग बी उस पर एन, उस पर क्या बच्चों? ए पर पावर एम है। अगर इस तरह का रहे तो कैसे मान निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। ये एम और एन यहां लिख देना है आपको, आगे में m by n, क्या लिखना है? m by n। उसके बाद फिर यहां पर log लिख के b पर a लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों? b पर a। नहीं हुआ, log b पर n, उस पर a पर m, तो m by n आगे लिख देंगे, m बटे n आगे लिख देंगे और log लिख के b पर a, यही इसका वैल्यू हो गया। e पर पावर log x, e पर पावर क्या बच्चों? लॉग एक्स है। जब ई पर पावर लॉग एक्स रहेगा तो ई लॉग को हटा दीजिए, क्या बचा? एक्स। यही आपका आंसर हो गया। एग्जांपल देखिए बच्चों, लॉग टू पर थ्री, उस पर फोर पर सिक्स, तो क्या करेंगे बच्चों? ये फोर पर ये सिक्स और थ्री एम है, ऊपर वाला एम है तो एम ऊपर, एन नीचे, एन कौन है देखिए, एन ठीक इसके ऊपर वाला एन होता है, दो के ऊपर में कितना? तीन है, वो एन हो गया। तो एम बाय एन और लॉग क्या बच्चों? बी पर ए, तो बी कौन है? दो। ए कौन है? चार। बी पर चार मतलब दो पर चार, तो ये काट दिया बच्चों, कितना हो गया? तीन दूनी छह दो हो गया। और ये क्या है बच्चों? दो पर चार कितना हो गया? सोलह। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई लॉग फाइव, तो कुछ नहीं करना है, ई लॉग फाइव को हटा दिए, खाली क्या बचा? फाइव। इज योर आंसर। बच्चों मेरे YouTube चैनल पे सर देवघर को देखते रहिए, सीखते रहिए, इसे ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी फायदा मिले। लव यू, टिल देन गुड बाय बाय।